हेलो एवरीवन। सो हम आ गए अपने नए प्रोजेक्ट पे, महागुण मंत्रा वन पे। तो इसमें हमारे पास एक 1025 स्क्वायर फीट का साइज अवेलेबल है 2 BHK। तो मैं आपको इसी के लिए ही आता है यहाँ पे। बेसिकली ये सेक्टर 10 वैतपुरा गांव में है और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पड़ता है। और ये डिटेल में पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा, लोकेशन मैंने आपको बताई थी। सो हम स्टार्ट करते हैं। आप पहले व्यू ले लीजिए। एक्चुअली है ना रीसेल में, सो इसमें जो पहले वाले ऑनर थे उनका सामान रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। पहले हम आ जाते हैं अपने लिविंग रूम पे। तो ये अप्रॉक्स आ जाता है 18x10 का आपका लिविंग रूम आता है, जो एल शेप में है। ये हमारे लिविंग रूम है, उसके साथ एक यूटिलिटी बालकनी के लिए। बालकनी में पेड़ पौधे रखने। जो सबसे अच्छी चीज़ है, मैं आपकी लोकेशन दिखाऊंगा। वो पहले मैं आपको फ्लैट दिखा देता हूँ, उसके बाद लोकेशन डिस्क्राइब करूँगा। ये हमारी किचन है, किचन 6x8 की है। काफ़ी स्पेशियस किचन दे रखी है, उसके साथ यूटिलिटी बालकनी दे रखी है। ये हमारा आ जाता है वॉशरूम, एंड देन हमारा आ जाता है फर्स्ट बेडरूम। इसके अंदर फर्स्ट बेडरूम में इसके साथ भी बालकनी दे रखी है। अब मैं आपको यहाँ की बताता हूँ लोकेशन। ये ऐसी प्राइम लोकेशन है ना, हम इस टाइम खड़े हैं सेक्टर 10 वैतपुरा गांव में। अगर आप ये सामने देखेंगे तो यहाँ आपको पूरा ग्रेटर नोएडा वेस्ट का व्यू आ जाता है। पूरा पूरा ग्रेटर नोएडा वेस्ट ही बसा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं सामने सामने आपका पंचशील ग्रीन 2, ये सारी सोसाइटीज है। अगर आप रोड के इधर आएंगे तो समृद्धि है, बहुत सारे प्रोजेक्ट इस साइड में है। अगर हम ये वाली बात करें तो यहाँ पे एक लाइन से 13 कमर्शियल मॉल्स आ रहे हैं, जैसे PKS टाउन सेंट्रल हुआ या बहुत सारे मॉल्स हैं, तो ये भी लगातार लाइन से ही आ रहे हैं। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये आपका सामने आ जाता है ए सिटी। और मैं इधर की बात करूँ, ये है वेव सिटी। ये आपका प्रॉपर गाजियाबाद आता है, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा प्रॉपर गाजियाबाद है। ये वाले बीच वाला जो आपने सेक्टर ये देख रहे हो ना, गाँव टाइप में जो, ये आ जाता है आपका जो विलेजेस है ना यहाँ पे, जैसे छिपियाना हुआ, रोजी जलालपुर हुआ, तलपता हुआ, ये सारे विलेजेस यहाँ पे आ जाते हैं। ये यहाँ पे ये देखिए सामने गार्डन बना हुआ है, क्रिकेट पिच भी बनी हुई है, तो काफ़ी अच्छा है। और आसपास में भी देखिए एग्रीकल्चर लैंड भी है यहाँ पे। तो स्पेसिस के साथ साथ और इसकी जो लोकेशन है बहुत ही ज़्यादा प्राइम है, तो आप यहाँ पर अपना घर ले सकते हैं। और अब मैं इधर की कनेक्टिविटी बताता हूँ। अगर आप सीधा जाते हैं तो आप निकल जाते हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, और उससे भी आगे जाएंगे तो नोएडा दिल्ली आ जाता है। और इधर जाएंगे तो इधर आ जाता है आपका परी चौक आ जाता है, और यमुना एक्सप्रेस वे आ जाता है। तो इधर ये कनेक्टिविटी है। अगर आप इधर जाएंगे सामने तो ये पूरा गाजियाबाद है, तो यहाँ की ये कनेक्टिविटी है। यहाँ का ये प्रॉपर फ्लैट है, यहाँ से ये 24th फ्लोर है जो रिसेल में आया हुआ है। इसकी जो कॉस्ट है वो अप्रॉक्स आ जाती है 48-49 लाख रुपीज़, वो भी नेगोशिएबल है। और उसमें भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं रीसेल में ही अवेलेबल है, कोई फ्रेश में अवेलेबल नहीं है। तो रीसेल में अगर आप जाना चाहते हैं 48-49 लाख में 1025 स्क्वायर फीट, तो आप यहाँ पे घर ले सकते हैं।
ये हमारा यहाँ का क्लब हाउस है। ये पार्टी हॉल जो है इसमें अप्रॉक्स 300 लोगों की गैदरिंग। यहाँ पे सामने स्केटिंग बच्चे सीख रहे हैं। इस पार्टी हॉल का वॉशरूम यहीं पे दिया हुआ है। ये फीमेल वॉशरूम है। यहाँ की लॉबी है, अगर आप आने चाहें विजिट करते हैं, बिल्कुल वैसे बना रखा है। ये कैरम हो गया, ये आपका टेबल टेनिस हो गया, ये स्नूकर हो गया। ये आपके सामने आ जाता है स्विमिंग पूल। ये कार रूम बंद पड़ा हुआ है, लाइब्रेरी खुली हुई है, बट लाइब्रेरी में भी ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। जिम अभी बंद है, बट 6 बजे के बाद खुल जाएगी। और जिम के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ वॉशरूम दिया हुआ, पर्सनल वॉशरूम दिया हुआ है। ये चेंजिंग रूम भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो चीज़ें सही हैं यहाँ पे। ये हमारा स्विमिंग पूल दिया हुआ है यहाँ पे। ये किड्स प्ले एरिया दिया हुआ है, ये स्विमिंग पूल है, ये सामने स्विमिंग पूल छोटा बच्चों वाला है। हमारा यहाँ का पार्किंग एरिया है। ये बास्केटबॉल कोर्ट है। हमारा सिटिंग एरिया हो गया। ये हमारा स्विमिंग पूल हो गया बच्चों के लिए और ये बड़ों के लिए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जिन्हें जिन्हें घर चाहिए आप उन्हें वीडियो भेजिए, क्या पता आपके थ्रू उनका घर लेने का सपना पूरा हो जाए। थैंक यू सो मच।